सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं फायरबोल्ट की। जितनी भी आपकी कॉलिंग वॉचेस हैं सारी की सारी हम लेंगे एक्सेप्ट एमुलेट वॉचेस। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, टॉप की ट्रेंडिंग फायरबोल्ट की जो वॉचेस हैं, और ये सेकंड पार्ट होने वाला है। और यहाँ पे हम बात करेंगे सारी की सारी कॉलिंग वॉचेस की। मे बी वो 2000-3000 रुपये के अंडर प्राइस ब्रैकेट में हो सकती हैं, 3500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में हो सकती हैं। सारी की सारी वॉचेस की बेस्ट प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले मैं लाइनअप में रखना चाहता हूँ यहाँ पे फायरबोल्ट की निंजा कॉलिंग। यस, निंजा कॉलिंग अगर आपको प्रो मिल रही है तो बहुत ही बेटर है। और निंजा कॉलिंग प्रो में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है यहाँ पे, क्योंकि निंजा कॉलिंग प्रो में आपको जो मिलता है स्पोर्ट्स मोड थोड़े से ज़्यादा दिए गए हैं, एक्यूरेसी स्लाइटली बेटर मिलती है आपको। बट अगर कॉलिंग प्रो नहीं मिलती आपको तो फायरबोल्ट की निंजा कॉलिंग भी आप ले सकते हो। ये वाली, ये आपके सबसे अच्छी बात है, थिन रिस्ट पे भी चल जाएगी। यस, लास्ट टू मीडियम टू थिन रिस्ट के लिए कमाल की वॉच है, ठीक है। और 1.69 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, ऑब्वियस सी बात है, और डिफरेंट कलर शेड्स में आपको देखने को मिलती है। और अभी ऑन ऑफर ये देखने को मिल रही है अंडर 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको इससे बेटर वर्जन चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कॉलिंग प्रो के लिए जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कॉलिंग प्रो प्लस जो है अभी जस्ट सेल पे आई है, वो उसको मैं रिकमेंड नहीं करता, उसमें बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है। बट कॉलिंग प्रो डेफिनेटली अच्छी है, और ये वाली निंजा कॉलिंग ये भी अच्छी है, ठीक है। बस अंतर है तो स्पोर्ट्स मोड थोड़े से कम मिलते हैं इसमें, ऑब्वियस सी बात है। उसमें 100 मिल जाते हैं, इसमें 30 मिलते हैं, राइट। और वरना तो वॉच अच्छी है, ठीक है। तो गाइस, इसको आप ग्रैब कर सकते हो, इसकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप इसको ग्रैब ऑन कर पाओगे। एंड गाइस, जो नेक्स्ट वॉच है फायरबोल्ट की निंजा कॉल प्रो। बहुत सारे लोग अगर सोच रहे हैं कि मतलब ये वाली वॉच ले लें हम और कॉलिंग को स्किप कर दें, तो गाइस आप गलत हो, डेफिनेटली गलत हो, क्योंकि मैंने कॉलिंग प्रो और कॉल प्रो का एक कंपैरिजन बनाया हुआ है। आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, बहुत ही कमाल का वीडियो है। यहाँ पे अंतर क्या मिलता है आपको, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। कॉल प्रो में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता, ठीक है, कॉलिंग प्रो में मिल जाता है। कॉलिंग प्रो में और भी चीज़ें हैं जो कॉल प्रो में नहीं मिलती हैं, ठीक है। कॉलिंग प्रो में आपको जो मोड है वो चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, कॉल प्रो में नहीं मिलता। तो गाइज़, ये कॉल प्रो लेने से अच्छा आप कॉलिंग प्रो ले सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा है, और सेकंड नंबर पे भी नहीं रखा है, मतलब इसको आप स्किप कर दो स्ट्रेट अवे, ठीक है। आपको कॉलिंग प्रो या फायरबोल्ट की निंजा कॉलिंग आप ले सकते हो, ठीक है। प्लस वाली मत लेना, ठीक है, कॉलिंग प्रो और कॉलिंग। तो आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट वॉच की तरफ चलते हैं। और गाइज़ ठीक ही रहिएगा ताकि आपको मतलब मैं कंक्लूजन भी दे सकूं, क्योंकि ये तो सिर्फ मैं रैंडमली यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ वॉचेस को। बट कंक्लूजन अगर आपने मिस कर दी तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। दोनों ही आपकी थिन रिस्ट पे चल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और जो गाइज कॉलिंग प्रो से बेटर चाहते हैं वॉच, यस, उनके लिए बीम कॉलिंग है। ये भी 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मिल रही है। लुक और फील इसका बहुत ही कमाल का है, प्रीमियम लगती है क्योंकि एलुमिनियम केसिंग मिलती है आपको इसमें। 60 स्पोर्ट्स में मिल जाते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पे डेफिनेटली डिस्प्ले साइज़ भी इसका छोटा है। ऐसा नहीं है कि मतलब लार्ज रिस्ट के लिए यही है, लार्ज टू मीडियम थिन रिस्ट पे भी चल जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि मतलब कॉलिंग प्रो से और इसमें सबसे बड़ा अंतर है कि इसकी पिक्सल साइज़ बहुत अच्छा है, मतलब पिक्सलेट नहीं होती, आप अपनी पिक का एज अ वॉच फेस लगाते हो। तो इसमें बटन भी थोड़ा सा कह सकते हो बॉडी के साथ फ्लश्ड है, जिसकी वजह से लुक और ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है। हैवी है थोड़ी सी क्योंकि मेटल का बिल्ड है, और कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाती है इसमें भी आपको। और ओवरऑल 60 स्पोर्ट्स मोड और मेटल की बिल्ड, और ओवरऑल कहीं ना कहीं ये अच्छी वॉच है, ठीक है। आप इसको ग्रैब कर सकते हो, IP68 रेटेड है। बट अगेन कॉलिंग प्रो से अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ तो उसमें इसमें थोड़े से फीचर्स कम मिलते हैं। इसमें जो आपके मेन्यू व्यूज़ हैं वो थोड़े से कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉलिंग प्रो। कॉलिंग प्रो में आपको 7-8 आपको वो व्यू मिल जाते हैं, मतलब लिस्ट ग्रेड आई वॉच एस, इस तरीके से आपको मेन्यूज़ मिल जाते हैं। बट इसमें आपको थोड़े से कम मिलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और ओवरऑल यहाँ पे वॉच अच्छी है ये वाली। अगर मैं कंपेयर करूँ कॉलिंग प्रो से तो मैं इसको उससे ऊपर रखूँगा, डेफिनेटली मैं इस वॉच के लिए जाऊँगा, राइट। तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में बीम कॉलिंग मिल रही है आपको। तो गाइस, चुपके से मैंने बीच में ये प्लेस कर दी है, कौन सी वॉच है, फायरबोल्ट की बीस्ट प्रो है। गाइस, कमाल की वॉच है। पहले तो जितनी मैंने वॉचेस बताई ना उससे बेटर थोड़ी सी मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बर्ड्स पेयर करने का ऑप्शन मिलता है। 128 MB इंटरनल मेमोरी मिल जाती है, जहाँ पे आप 18 या 19 सॉन्ग्स तक को रख सकते हो यहाँ पे, और बर्ड्स को पेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। लाउडनेस कम है डेफिनेटली, कॉलिंग प्रो से कंपेयर करूँ या मैं बीम कॉलिंग से कंपेयर करूँ, बट अगेन फीचर्स तो ज़्यादा मिलते हैं आपको। 1.69 इंच की डिस्प्ले, लास्ट टू मीडियम टू थिन रिस्ट पे, तीनों ही रिस्ट पे चल जाती है, ठीक है। IP67 रेटेड है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया बैटरी लाइफ भी अच्छी है, और ब्लूटूथ कॉलिंग पे 48 आवर्स, 2 दिन 8 चल जाती है। विदाउट ब्लूटूथ कॉलिंग 5 डेज तक चल जाती है, ठीक है। तो इसका मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू भी कर रखा है। वॉच अच्छी है, एक्यूरेसी लेवल उतनी खास नहीं कहूँगा, यहाँ पे 75% तक की एक्यूरेसी मिलती है आपको इसमें। और हार्ट रेट, SpO2 मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है। स्पोर्ट्स मोड कम है डेफिनेटली, अगर मैं कॉलिंग प्रो से कंपेयर करूँ या बीम कॉलिंग से कंपेयर करूँ। बट अगेन आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो इस वॉच के लिए आप जा सकते हो। एल्युमिनियम केसिंग है, और लुक और फील इसका प्रीमियम आता है, ठीक है। 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है, सेम प्राइस में जो आपको बीम कॉलिंग दे रही है उसी प्राइस ब्रैकेट में ये आपको मिल रही है, इंटरनल मेमोरी और बर्ड्स को पेयर करने का ऑप्शन के साथ, ठीक है। इसकी बेस्ट बाय लिंक अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे जाके आप इसको ग्रैब कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे मैंने फायरबोल्ट की रिंग रख दी है रैंडमली, और ये मैंने इसीलिए रखी है कि आप इस वॉच को ले ना लें। यस, इसको नहीं लेना है आपको, रिंग से बेटर है रिंग 3। यस गाइज, ये 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है। रिंग 3 अगर आप 500 रुपये और मिलाते हो तो आपको इससे बेटर चीज़ मिल सकती है। बट अगेन गाइज, ये आपके लास्ट टू मीडियम टू थिन तीनों ही रिस्ट पे चल जाएगी। बट अभी मैं रिंग 3 पे भी आऊँगा। फिलहाल तो इसमें आपको फीचर्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। एल्युमिनियम केसिंग मिलती है, लुक और फील एप्पल का मिलता है इसमें आपको। और रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटर, एसपी मॉनिटर 24/7 आप यहाँ पे ट्रैक ऑन कर सकते हो। उसी के साथ साथ स्लीप और फिटनेस ट्रैकिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे बिल्ट इन स्पीकर माइक का सपोर्ट मिलता है। और डेफिनेटली ये इन हैंड फील बहुत ही प्रीमियम देती है और ओवरऑल लुक और फील इसका अच्छा है। 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है। बट अगेन रिंग 3 उनके लिए है जिनके लार्ज टू मीडियम रिस्ट हैं, बट थिन रिस्ट पे नहीं चल पाएगी। बट जिनके थिन रिस्ट हैं वो रिंग के लिए जा सकते हैं, इसके लिए मैंने इसको रखा है वॉच को। चलते हैं हम नेक्स्ट वॉच की तरफ। ऑब्वियसली बात है, फायरबोल्ट की जो रिंग 3 है वो रिंग सीरीज़ में सबसे बेस्ट है मैं कहूँगा। रिंग प्लस जो अभी आई है ना रिसेंटली, जिसमें 1.91 इंचेस की डिस्प्ले, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू किया है, उससे भी काफ़ी बेटर रही है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ऑडियो प्रोफाइल है ऑफ करने के बाद आपका कॉल भी नहीं लगता। इसमें वो ऑप्शन मिल जाता है, कॉल लगेगा आपका। इसकी डिस्प्ले बड़ी है, मतलब उससे तो छोटी है ऑब्वियसली बात है। बट अगेन ये आपके लास्ट टू मीडियम टू बस लास्ट टू मीडियम रिस्ट पे ठीक लगेगी। पिक्सल साइज ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। 320 पिक्सल्स होता तो और मज़ा आता। वैसे 3000 रुपये से अंडर मिल रही है। डेफिनेटली 2999 में भी वैल्यू फॉर मनी वॉच मिल जाती है आपको। 1.8 इंचेस की डिस्प्ले लास्ट मीडियम रिस्ट के लिए परफेक्ट है। एल्युमिनियम केसिंग मिलती है। और यहाँ पे जितने भी फीचर्स आप सोच सकते हो सारे के सारे, मतलब गेम्स, कैलकुलेटर और उसी के साथ साथ आपको इसमें 118 स्पोर्ट्स मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। रिंग वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑनली या म्यूट का ऑप्शन, तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। और एक्यूरेसी ठीक ठाक है इसमें, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं कहूँगा बट ठीक है। 80% तक की एक्यूरेसी मिल जाती है। तो गाइस इसको आप ग्रैब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आप सीधे आके इसको बाय कर सकते हो। तो गाइस बहुत सारे लोग डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि मतलब सर्कुलर टाइप वाली वॉचेस कहाँ गई फायरबोल्ट की। तो चिंता मत करिए, अब आ गई हैं। यहाँ पे फायरबोल्ट की जब फिनिक्स है टॉप ऑफ द लाइन वॉच है मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे सर्कुलर डायल में सबसे कॉम्पैक्ट वॉच चाहिए आपको, सबसे बेटर वॉच चाहिए। थिन रिस्ट पे चल जाएगी, स्किन रिस्ट पे भी ठीक लगती है वॉच। और 1.3 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आती है, 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है। कॉलिंग फैसिलिटी मिलती है, 2000 रुपये के अंडर ये मिल रही है। अभी आप इसको ग्रैब कर सकते हो। बहुत सारे कलर शेड्स में मिलती है और पिंक कलर गर्ल्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है। सिल्वर और ग्रे आप बॉयज़ आप इसको डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। मेटल का बिल्ड मिलता है आपको इसका और ओवरऑल 100+ वॉच फेस मिल जाते हैं। और उसी के साथ साथ एल्युमिनियम केसिंग है, तो एल्युमिनियम या मतलब स्टेनलेस स्टील है मेरे ख्याल से, हाँ, और कमाल की लगती है, ठीक है। और डेफिनेटली ये 2000 रुपये के अंडर सर्कुलर डायल में सबसे सिंपलिस्टिक और सबसे मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ आती है और एक प्रीमियम लुक देती है। इन हैंड फील बहुत अच्छा देती है। SPA2HR मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं कहूँगा बट अपने लेवल पर ठीक है। और अदर वॉचेस से अगर मैं कंपेयर करूँ एक्यूरेसी के मामले में तो 75 to 80% तक की एक्यूरेसी मिल जाती है। तो आप इसको डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। अब आ जाती है नेक्स्ट वॉच सर्कुलर डायल में, जो कि है फायरबोल्ट की टॉक 2। यस, फायरबोल्ट की टॉक आप ले रहे हो तो उसको स्किप कर दो, टॉक 2 काफ़ी बेटर है। और टॉक प्रो से अगर मैं कंपेयर करूँ टॉक 2 मेरे को बेटर लगती है। टॉक प्रो में डेफिनेटली थोड़ा सा वो लार्ज रिस्ट के लिए बेटर है, थिन टू मीडियम रिस्ट के लिए थोड़ी सी बड़ी लगती है। मतलब हाँ, ये आपकी लार्ज टू मीडियम रिस्ट पर आराम से चल जाएगी। थिन रिस्ट पे ठीक है गाइज, बहुत ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और ओवरऑल आप इसको ग्रैब कर सकते हो। ये आपको देखने को मिल रही है 2500 रुपये के अंडर और अमेज़ॉन पे। और अच्छी वॉच है डेफिनेटली। यहाँ पे स्पोर्टी लुक के साथ आती है, रिंग प्रोवाइड आती है इसमें। और उसी के साथ साथ SPA2HR मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले साइज़ छोटा है जिसकी वजह से आपको लास्ट टू मीडियम और थिन रिस्ट पे चल जाती है वॉच, ठीक है। तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो। तो रेदर दैन गोइंग फॉर फायरबोल्ट की जो टॉक वॉच है उसको स्किप करके आप इस वॉच को ले सकते हो। स्टेनलेस स्टील का डायल मिलता है, बहुत ही रगेड बिल्ड है इस वॉच का, ठीक है। तो इसकी बेस्ट लिंक अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ग्रैब कर सकते हो। एंड गाइज इन बिटवीन यहाँ पे मैं एक और वॉच को रखना चाहता हूँ, फायरबोल्ट की 360 Pro। यस गाइज, जो बीस्ट प्रो है 360 Pro एकदम मतलब सेम ही आप समझ सकते हो, ये और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसमें भी आपको इंटरनल मेमोरी बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन मिल जाता है और ओवरऑल सर्कुलर डायल में आती है। जिसको सर्कुलर डायल में एक स्पोर्टी लुक वाली वॉच चाहिए तो आप 360 Pro के लिए जा सकते हो। डिफरेंट कलर शेड्स में मिल जाते हैं और सबसे अच्छी बात है ना, ये 3500 की मिलती है बट 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है। कम प्राइस में आप जाके इसको ग्रैब कर सकते हो। 1.32 इंचेस की शार्प डिस्प्ले मिलती है। इवन 360 Pro से भी मतलब बीस्ट प्रो से भी बेटर इसमें डिस्प्ले मिलती है, क्योंकि इसमें 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, इसमें 360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है। तो इसमें ये वॉच आगे निकल जाती है। लास्ट मीडियम रिस्ट के लिए परफेक्ट वॉच है, थिन रिस्ट में नहीं अच्छी लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। SPA2HR मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है। एक्यूरेसी 75% तक की मिलेगी आपको इसमें देखने के लिए। और उसी के साथ साथ ये अच्छी बात है कि 2500 रुपये के बजट ब्रैकेट में आपको देखने को मिल रही है। और साथ ही में यहाँ पे कॉलिंग फीचर तो ऑब्वियसली बात है मिल ही जाता है आपको। इसमें कम से कम 20-25 सॉन्ग्स को इसमें स्टोर कर सकते हो, प्लस मतलब 20 से 20+ सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो। और कॉल वॉल सब उठा सकते हो, वॉच से प्रॉपरली डायल कर सकते हो। और इसी के साथ साथ स्टेनलेस स्टील का तो नहीं कहूँगा, रगेड बिल्ड है बेसिकली। मतलब एल्युमिनियम केसिंग मिलती है, ऐसा नहीं है कि मतलब मेटल की बिल्ड नहीं मिलती, बिल्ड मेटल की मिलती है आपको इसमें। और बर्ड्स वर्ड्स को पेयर कर सकते हो डायरेक्टली। 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे। अभी गाइस आगे चलते हैं और कंक्लूजन के लिए रुकिएगा आप सब। तो गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे और फायरबोल्ट टोरनेडो भी है, फायरबोल्ट की और भी वॉचेस हैं, खासकर ये मैंने निंजा बेल रखी है यहाँ पे, लुक और फील बहुत ही प्रीमियम है इस वॉच का। और गाइज एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ बताऊँ, ये आपको बहुत कम में मिल रही है। यस गाइज आपने सुना, एप्पल का लुक मिलता है आपको इसमें और एक तरीके से आपका लुक इसका उसकी तरह मिलता है, फिट शॉट की क्रिस्टल की तरह। ये आपको मिल रही है सिर्फ 199 में। यस लॉन्च के बाद से अभी सबसे कम प्राइस इसका चल रहा है, 199 में आप इसको ग्रैब कर सकते हो। गेम्स भी मिल जाते हैं इसमें आपको, 60+ स्पोर्ट्स मिल जाते हैं, कॉलिंग फैसिलिटी के साथ ही वॉच आती है और डिफरेंट कलर शेड्स में आप चूज कर सकते हो। IP6 शीट रेटेड है, डेडिकेटेड सेंसर के साथ ही वॉच आती है, SP2 HR मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसमें आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्लिपकार्ट पे मिल रही है अभी, आप जाके ग्रैब कर सकते हो। ब्लूटूथ म्यूजिक प्ले का ऑप्शन मिलता है इसमें, बट आप स्टोर नहीं कर सकते सॉन्ग्स को। और टन्स ऑफ वॉच फेस में जाते हैं, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके वॉच में सेल्फ शो कर देती है, ठीक है। तो इसको आप ग्रैब कर सकते हो, सीधे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ, और बहुत सारी वॉचेस इसको मैंने स्किप कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली बात है फायरबोल्ट, टॉक प्रो, ये सब वॉचेस मैं साइड कर रहा हूँ। गाइस बात करें यहाँ पे कंक्लूजन की तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे बहुत सारी वॉचेस हैं कॉलिंग फैसिलिटी के साथ फायरबोल्ट की, तो सारी की सारी वॉचेस जो मैंने आपको अभी बताई उसमें सम अप में करूँ तो नंबर 1 पे रखना चाहूँगा रिंग 3 को। यस फायरबोल्ट की रिंग 3 सारे के सारे फीचर्स के साथ आते हैं और एप्पल का लुक भी आता है। 2999 मिल रही है आपको, आप सीधे जाकर ग्रैब कर सकते हो। एल्युमिनियम की केसिंग, एक्यूरेसी भी अच्छी मिल जाती है और एप्पल का लुक तो है ही है। लास्ट मीडियम रिस्ट के लिए परफेक्ट वॉच है, थिन रिस्ट पे देख लेना एक बार, बहुत बेटर नहीं लगेगी, ठीक है। फायरबोल्ट रिंग ले सकते हो जिसके थिन रिस्ट है, ठीक है। 1.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है आपको उसमें। अब गए सेकंड नंबर पे मैं रखता हूँ फायरबोल्ट की ही कॉलिंग। यस फायरबोल्ट की निंजा कॉलिंग प्रो अगर आपको मिल जाती है फ्लिपकार्ट पे, वैसे है सेल पे, अगर अवेलेबल हो जाती है तो बहुत ही बेटर है। अगर नहीं मिलती है कॉलिंग प्रो तो आप कॉलिंग ले सकते हो डायरेक्टली, फायरबोल्ट की निंजा कॉलिंग, ठीक है। कॉलिंग प्रो प्लस मत लेना, उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है, मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखा है तो उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है, तो इसको रखता हूँ मैं 3rd नंबर पर, फायरबोल्ट की निंजा कॉलिंग प्रो। उसी के साथ साथ हम 4th नंबर पे कौन सी वॉच रखें, फायरबोल्ट की टॉक 2। यस कमाल की वॉच है फायरबोल्ट की टॉक 2, या उससे पहले आप फायरबोल्ट की फिनिक्स भी रख सकते हो। फिनिक्स सिम्बलिस्टिक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में मिलती है और स्लिम रिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी है, तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो। 1.3 इंच की डिस्प्ले मिलती है आपको और 2000 रुपये से अंडर मिल रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप जाके ग्रैब कर सकते हो। उसके बाद मैं रखता हूँ फायरबोल्ट की टॉक 2। यस टॉक 2 ना ही टॉक रखूंगा, ना ही टॉक प्रो रखूंगा, टॉक 2 रखूंगा, ज़्यादा बेटर है। टॉक 2 या टॉक से या टॉक प्रो से आप जाके ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। वो भी आपको 2500 रुपये के अंडर मिल जा रही है। और उसके बाद हम कौन सी रख सकते हैं फायरबोल्ट की वॉच? यस फायरबोल्ट की वॉच हम रखेंगे निंजा बेल। यस निंजा बेल भी अच्छी वॉच है, जैसे मैंने आपको बताया लॉन्च के बाद से अभी 199 रुपीज़ में मिल रही है, वरना तो उतने प्राइस में कभी नहीं हुई, तो आप जाके ग्रैब कर सकते हो 5th नंबर पर उस वॉच को। और कौन सी वॉच रह गई है? और गाइस जो 2 वॉचेस रह गई हैं, वो वॉचेस 2 या 3 वॉचेस हैं डेफिनेटली, और उनको मैंने नहीं लिया था इसमें, तो वो मैं रखना चाहूँगा फायरबोल्ट की 360 प्रो और फायरबोल्ट की बीस्ट प्रो। यस गाइस दोनों ही मतलब प्रो सीरीज़ में आती है, इनबिल्ट स्टोरेज और बर्ड्स को पेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जिसको सॉन्ग स्टोरेज का ऑप्शन चाहिए तो वो 6th नंबर पर इस वॉच को ले सकते हैं, या जिसकी प्रायोरिटी है पहले ही, सबसे पहली प्रायोरिटी यही है, तो 1st नंबर पर सीधे आके ग्रैब कर सकते हो। 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में और अच्छी डील मतलब मिल रही है आपको, और दोनों ही लास्ट मीडियम टू थिन रिस्ट पे चल जाती है, ठीक है। मतलब थिन रिस्ट पे नहीं चलेगी 360 प्रो, वो आपकी लास्ट मीडियम रिस्ट पे चलेगी, बट बीस्ट प्रो आपकी थिन रिस्ट पे चल जाएगी, आप ग्रैब कर सकते हो। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और ये मैंने मेरे ख्याल से अंडर 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में सारी कवर कर दी है फायरबोल्ट की वॉचेस। अंडर 3000-2000 रुपीज़ में आपको सारी वॉचेस मिल जाती हैं। कॉलिंग वॉचेस आपको अंडर 2000 रुपीज़ में ही मिलती है फायरबोल्ट की, और उससे कम चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं फिटनेस वॉच के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो फिटनेस वॉच के रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊँ मैं, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। फायरबोल्ट की फिटनेस वॉच का पार्ट 3 बन जाएगा, वैसे पार्ट 2 ऑलरेडी खत्म हो चुका है। पार्ट 1 मैंने बता दिया, एमोलेड डिस्प्ले सारी की सारी कवर कर दी थी फायरबोल्ट की। 2nd पार्ट में 2000 से 3000 जो मैं आपको ये दे रहा हूँ वीडियो। 3rd पार्ट ये बन सकता है कि मतलब फिटनेस वॉचेस के ऊपर अंडर 2000 रुपये के अंडर ही पड़ेंगी, मतलब सारी की सारी 1500 या 1300 या मतलब 2000 रुपये के अंडर ही पड़ेंगी सारी, तो आप बता सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।